मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस पार्टी बुधनी उपचुनाव के रण में उतर गई है। शिवराज के दबदबे वाली इस सीट पर कांग्रेस एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। यहां जीतू ने बीजेपी की तर्ज पर कार्यकर्ताओं के साथ भोजन बैठक आयोजित की। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी टिफिन लेकर पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष ने जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोजन किया और जमीनी हकीकत को समझा। तो चुनाव का कैंडिडेट चुने कैसे? ऐसे कि जैसे हमेशा से चुनते हैं कि ऊपर से जिसका मन आया थोड़े लोगों से पूछ लिया, ये ठीक रहेगा, ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, इसका अच्छा हो जाएगा, इसका बुरा हो जाएगा। मेरी पसंद ये है, ऐसे चुनना चाहिए कि जो बूथ पर मेरा वैभव, मेरा बूथ, तो जो वैभव लौटाने वाले लोग हैं उनसे पूछ के चुनना चाहिए। सही बताओ कैसे चुनना चाहिए? जो बूथ के हमारे परिवार के लोग हैं, जो कांग्रेस कमेटी बनेगी, कोई मैकेनिज्म बनाना पड़े, कोई पद्धति अपनाना पड़े, पूरी पारदर्शिता के साथ, कोई बिल्कुल किंतु परंतु नहीं, दिमागी रूप से इतना सा भी किसी को शक शुबा भी नहीं हो, कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। ऐसी स्थिति में बूथ कमेटियों से हम पूछेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि यहाँ का प्रत्याशी कौन होगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा होने के बाद जल्द ही बुधनी में उपचुनाव होना है। इसे लेकर अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बरसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।